के अंदर कम से कम डिप्टी सीएम तो हम लोग बना लें। चलो सीएम बनाने के लिए हम लोग चलते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम तो बनाने की आप रखें। 20% की आबादी अगर आपकी है और आप एक सीएम नहीं बना पाते हैं तो लानत है ऐसे मुस्लिम होने पे, मुसलमान होने पे लानत है। मैं तो आपको बोलूंगा, अगर 2% सिख सीएम बना सकते हैं, 2% सिख अगर पीएम बना सकते हैं, 10 साल तक मनमोहन सिंह राज कर सकते हैं, तो 20% मुस्लिम अपना सीएम क्यों नहीं बनाते, अपना पीएम क्यों नहीं बनाते? कब ये उठेंगे, कब ये जागेंगे, कब तक सोए रहेंगे, कब तक इनको जगाना पड़ेगा? अब इनको इनको अगर ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा इनको उठाने के लिए, हैदराबाद से 1400 किलोमीटर से अगर असदुल ओवैसी बैरिस्टर अगर चल के आए इनको जगाने के लिए, तो इनको लानत है, इनको शर्म आनी चाहिए। 20% होने के बाद अगर सिख 20% होते ना, अब तो पाकिस्तान के अब चाइना भी कब्जा कर लेते। आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि साहब मैं समझ गया, मगर मुसलमान तो कह रहा है बीजेपी के एजेंट हैं। सर देखिए, कहने को जिसको मर्जी कहने दो, ये अल्लाह ताला जानते हैं, ये जो सच्चा मुसलमान है वो जानता है। ये 5 वक्त के नमाजी है, सबसे पढ़ा लिखा इंसान अगर आपको मिलेगा पॉलिटिक्स के अंदर तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मिलेगा। और जो 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 मुसलमान की बात करता है संसद के अंदर बात करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता है। जब मुस्लिम के साथ कहीं भी कुर्ता होती है, कहीं भी जुल्म होता है तो बात करता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करता है। कोई आजम खान नहीं करता, कोई भी नुमाइंदा मुसलमान नुमाइंदा नहीं करता है। अगर आपको अगर 100% अगर सच्चा मुसलमान मिल रहा है तो आप अगर आज भी नहीं पहचानोगे तो आपकी कौमें जो है आपको गाली देके आपको बताएंगे कि आपने उस समय क्यों नहीं उस दिन इसी को पहचाना। कुर्बान चलाएं आप।